आज हम बनाने जा रहे हैं एक कढ़ी, जिसके लिए हम प्याज लिए हैं 5, टमाटर 3 लिए हैं, लंबे लंबे काट लिए हैं प्याज को, अदरक लिए हैं, थोड़े से अदरक लिए हैं 1/2 इंच, धनिया के डंठल लिए हैं और लहसुन लिए हैं 25 से 30 कलियां लहसुन लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं। अब हम सबको फ्राई कर लेंगे पहले। अब हम एक कढ़ाही लिए हैं जिसमें 1 चम्मच सरसों का तेल गरम किए हैं। अब हम इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे इसको। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ा फ्राई हो गया है तो हम इसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे। और इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये हरी मिर्ची को भी डाल देंगे। सबको फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर और ये धनिया के डंठल भी डाल देंगे इसमें। सबको फ्राई कर लेंगे। और टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इसको फ्राई कर लेंगे। हमारा टमाटर भी गल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम मिक्सी के जार में लेकर इसको पीस लेंगे। अब हम अंडे को उबाल कर छील लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले इसमें थोड़ा सा इस तरह से कट लगा लेंगे। सभी अंडे में इस तरह से कट लगा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। और सबको इस तरह से लगा देंगे सब में। अब हम कढ़ाई में तेल गरम किए हैं। अब हम इन अंडों को इसमें फ्राई कर लेंगे। सबको अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। सभी अंडे फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसको। सारे अंडे को निकाल लेते हैं। सबको निकाल सभी अंडे को निकाल लिए हैं। अब हम
इसमें मसाले फ्राई करेंगे। उसके लिए फ़ोरन लिए हैं, जीरा आधा चम्मच, दो लौंग और दो छोटी इलायची हरी वाली, इसको डालकर फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर एक चम्मच लिए हैं, इसको डाल देंगे। कश्मीरी मिर्च पाउडर एक चम्मच, इसको भी डाल देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। अब हम ये पेस्ट लिए हैं, टमाटर और सब पेस्ट जो बनाए थे, प्याज टमाटर लहसुन अदरक का, सब इसको डाल देंगे इसमें और अच्छे से फ्राई कर लेंगे सबको। इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इसको भी डाल देंगे इसमें और फ्राई होने देंगे। और इसमें नमक और हल्दी पाउडर, इसको भी स्वाद के अनुसार डाल देंगे इसमें। और इसको तो फ्राई कर देंगे सबको। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप पानी इसमें हिसाब से डालिए, जैसा गाढ़ा चाहते हैं वैसा बनाइए, पतला चाहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। दो से ढाई कप पानी डाले हैं इसमें। अभी हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें अंडा डालेंगे। ग्रेवी हमारा उबलने लगा है, अब हम इसमें अंडे को डाल देंगे। और इसे ढककर 5 मिनट पकने देंगे। पकते हुए 5 मिनट हो गया है, अब हम इसको देख लेते हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। इसको 1 मिनट पका लेंगे। एक मिनट हो गया है, हमारा ये अंडा कड़ी बन गया है। हम गैस को बंद कर देते हैं और 1 मिनट बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए हमारा एक करी तैयार हो गया है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब हम इसमें निकाल लेते हैं।
एक कड़ी की। ये हमारा अंडा कड़ी बहुत टेस्टी बना है, इस तरह से बनाइए। इस तरह से बनाने से बहुत स्वादिष्ट बनता है। हमारे रेसिपी से बनाइए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।